देखिए टूटा हुआ सब कुछ है, ये भी टूटा हुआ है, सब सब कुछ टूटा हुआ है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। और आज का सुबह बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि सुबह उठ के मैंने इतना फ्लावर देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सोचा चलो आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। सो देखते रहिए मेरा ब्लॉग और देखिए कितना सारा मधुमक्खी है फ्लावर में। सुबह सुबह उठ के देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट में भुट्टा है। भुट्टा मेरी सिस्टर बहुत दिन पहले लेके आई थी तो उसने बोला आज खाते हैं चल, और उसने बोला ठीक है मैं सेक लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है कर ले। और इसके साथ वो जीरा का पानी भी बॉईल कर रही है, वो हर रोज़ जीरा का पानी पीती है। अभी वो भुट्टा में बहुत सारा मसाला मिक्स करेगी, उसके साथ नींबू भी मिक्स करके देगी। बोल रहा था बहुत टेस्टी लगेगा, मैंने बोला चलो खा के देखते हैं। और सच में बहुत ही टेस्टी लगा है। मैं यहाँ पे वीडियो करते करते पानी ले रही हूँ तो पानी कब कब से निकल गया मुझे पता भी नहीं। तो मैं हर रोज़ नींबू पानी लेती हूँ तो मेरा नींबू पानी अभी रेडी है। अभी मैंने चाउमीन बना लिया और ये चाउमीन मेरे बहन की बेटी के लिए बनाया। तो क्यों वीडियो कर रही है इसलिए वो गुस्सा हो रही है। तो मैं बोला फिर से वीडियो कर रहे हो मौसी, मैंने बोला हाँ फिर से वीडियो कर रहे हो, तो ले ले तेरा भी खा ले, तो फेस छुपा लिया है। तो मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी है अभी, ब्रेड ऑमलेट। और तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार में राशन उठाना है, राशन नहीं उठाया था, सिस्टर ने हाफ उठाया, और चावल लेना है आज और मछली भी खरीदना है, तो चलते हैं बाज़ार में। अभी मैं आ चुकी हूँ राशन के पास, तो साइड से तो भीड़ कम लग रहा है लेकिन जब मैं सामने जाके देखा तो इतना भीड़ था, OMG। अभी मैं जल्दी जल्दी राशन से आ चुकी हूँ, राशन में बुक जमा करके, क्योंकि बहुत लेट होगा तो मैंने सोचा चलो बाज़ार से मछली खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मछली है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा मछली खरीदूँ। तो दूसरे साइड से भी देख रही हूँ, यहाँ पे भी दिखने में अच्छा है तो उधर चली गई मैं मछली ख़रीदने के लिए। तो मछली ले लिया, ये वाला मछली मैंने लिया, पूरा नहीं लिया हाफ ही लिया है। तो मम्मी ने बोला थोड़ा ही ले लो, मैंने ठीक है थोड़ा ही ले लिया। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, राशन नहीं उठाया क्योंकि आप लोग ने देखा है कितना कितना भीड़ है, बहुत टाइम लगेगा। और मेरी बहन की बेटी जो उसको कॉलेज जाना है, तो मैं मछली लेके चली आई हूँ, उसको खाना पका के दूंगी तो वो खा के जाएगी। इसके बाद मैं राशन जाऊँ। तो रास्ते में मुझे मिल गया मेरा भाई, ये मेरा छोटा सा भाई। आपका नाम बोल दो, आपका नाम आयुष क्या है? आयुष। आयुष की? हाँ। मैं आपको क्या बुलाती हूँ? तुम्हारा नाम किधर रखी की रखी है? तुम्हारा नाम की आरेक्टर नाम बंगाली बोल ले दाओ बंगाली। चलो। सो अभी खाना पका लिया, दाल और मछली का फ्राई और चावल पका लिया। तो अभी जा रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि 11 o'clock हो गया, तो अगर राशन बंद कर देगा तो फिर से शाम को जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा साइड के रास्ते से आ रही थी तो मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। बंधु बंधु भला छे भला छे। अभी मैं पहुंच गई राशन में और आके देखा भीड़ एकदम सा नहीं है, तो मुझे बहुत मज़ा लग रहा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। अभी मेरा राशन का कार्ड मिल रहा था, बहुत पहले नाम आ चुका था तो नहीं मिल रहा था। कोई गलोगा एमुन एमुन अभी मैंने बहुत सारा चाय पत्ती ले लिया, बोला है बहुत सारा है ले लो, मैंने बोला ठीक है दे दो चाय पत्ती, मम्मी डांटेगी तो नहीं। अभी तो दूसरे साइड में बहुत बड़ा लाइन है लेकिन जहाँ पे मैंने वो टोकन लिया वहाँ पे एकदम लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा लाइन है। तो मैं बहुत पास आ चुकी हूँ, ये आंटी के बाद मेरा बाड़ी है और मेरा बस्ता भी, चावल का बस्ता भी रेडी है। तो अभी चावल ले लिया और अंकल तो बहुत एक्यूरेट देता है, एकदम से एक बार में 15 किलो हो गया। वो वाला बैग में मैंने चावल ले लिया
और दूसरे वाला साइड में चाय पत्ती और नमक ले लिया। यहाँ पे मेरा अम्ब्रेला भी है, तो ये दोनों लेके मैं ऑटो स्टैंड जाऊँगी और वहाँ पे जाके बस्ता तो बहुत भारी है, 15 किलो। तो मैं ऑटो स्टैंड आ चुकी हूँ और ऑटो में ले लिया, बहुत जल्दी जल्दी जाऊँगी अभी, तो चलते हैं घर में। ये वाला बैग यहाँ पे ले लिया, बस हाथ में ले लिया, तो जा रही हूँ घर में। बहुत भारी है, 15 किलो है। घर में आने के बाद मैंने खाना बनाया और दूसरा थोड़ा बहुत काम किया, अभी नहा के मैं पूजा दे रही हूँ। आज भी दोपहर को बारिश हुआ है, तो हर रोज तो बारिश होता है, अभी इतनी गर्मी के टाइम में अगर बारिश होगा तो मौसम भी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। तो देखिए पत्ता कितना सुंदर लग रहा है बारिश में, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और भी अच्छा लग रहा है। गाइस अभी शाम हो चुका है, तो शाम को सब लोग तो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो मेरे मम्मी अभी पेड़ से गुआबा तोड़ रही है, तो अभी हम लोग सब मिल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लेके चली आई हूँ मैं 2-2 गुआबा, मैं खाऊंगी, बहुत ही बड़ा गुआबा है। मैं अभी जा रही हूँ अगरतला में, मेरे दादी का तबीयत खराब है उनको देखने के लिए, तो अचानक से जा रही हूँ। अभी मैं घर में आ चुकी हूँ और आते वक्त 2 पेस्ट्री केक लेके आई हूँ और एक तो थोड़ा ख़राब हो गया प्लेट में उठाने के टाइम में। दो ही क्यों लाया, मैं मम्मी और सिस्टर बहुत ही कम खाते हैं, मेरे एक कज़न सिस्टर के लाई हूँ और वो है कज़न सिस्टर, उस दिन जो मैंने दिखाया उसके घर घूमने गई थी मैं, तो वो आज हमारे घर में आई है क्योंकि कॉलेज का काम है उसका, उसको तो बहुत शर्म आ रही है क्यों मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं रात का डिनर बना रही हूँ और मैं और सिस्टर हर रात को रोटी खाती हूँ। बनाते बनाते ये तो गैस खत्म हो गया, तो अभी पुराना वाला गैस का जो वॉशर है वो खराब हो गया, तो पुराना वाला गैस वॉशर बहुत मुश्किल से मैं खोल के लेके आई हूँ, अभी लगाऊंगी, लगाने की कोशिश करूंगी, तो क्या करूँ मुझे आता नहीं है। तो अभी मेरा अंकल आ गया, तो मैंने अंकल को बोला आ जाओ, वेलकम। मैं लगा के अभी तो मैं मेरे अंकल से सीख के लगा रही हूँ कैसे लगाते हैं, अंकल बोला ऐसे लगा, तो मैं भी ऐसे लगा रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, क्या करूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, सब बोल रहे क्या करिए, मैंने बोला सीख रही हूँ, सीखना तो सबको चाहिए। मैं तो लगा नहीं पाई, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर लगाऊंगी, अभी मेरा अंकल ही बहुत आसानी से लगा लिया है। यहाँ पे देखिए सब टूटा हुआ सामान है और मैं कोलकाता से आते वक्त लेके आई थी, सब मेरा पुराना सामान था तो आते वक्त टूट गया, तो मेरे सिस्टर अभी सब सामान को ऐसे जोड़ रही है, इसमें कुछ प्लांट लगाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं 2 कप दूध लिया और दूध में मैंने केसर मिलाया, मुझे तो बहुत ही पसंद है केसर दे के दूध पीने में, और बड़ा वाला कप मेरा है और छोटा वाला कप कज़न सिस्टर का है, मेरा सिस्टर तो कभी दूध पीती ही नहीं है,
तो मैं हर रात को एक गिलास दूध पी के सोती हूँ, बहुत अच्छा वाला नींद आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट।